फिरोजाबाद में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान चंद्रनगर महानगर के कार्यालय का शुभारंभ हवन पूजन के साथ गौशाला स्थित सरस्वती विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम के दौरान अभियान प्रमुख रामकुमार जय, अभियान प्रमुख अभिषेक जी, विभाग प्रचारक धर्मेंद्र जी, भारत महानगर गरबा गौरव विभाग के साथ साथ महानगर नगर की टीम मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान विभाग प्रचारक धर्मेंद्र जी ने कहा कि भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए हर हिंदू को तन मन धन से निधि समर्पण करनी चाहिए। निधि समर्पण अभियान के चलते हिंदू के प्रति घर घर जाकर मंदिर निर्माण के लिए राशि एकत्रित की जाए। अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्वहिंदू परिषद के नेतृत्व में श्री राम मंदिर समर्पण निधि का अभियान शुरू होगा। उसके लिए यहां गौशाला शिशु मंदिर में आज कार्यालय का यहां पर उद्घाटन हुआ है, जिसमें सभी संगठनों के कार्यकर्ता यहां पर आए हुए हैं। कौन सी जगह हवन पूजन का कार्यक्रम रखा गया था? ये गौशाला शिशु मंदिर है, जो राम मंदिर का अभियान चलेगा, सारे अभियान की देखरेख वहीं से होगी। हवन पूजन का कार्यक्रम रखा गया, किस संबंध में कार्यक्रम रखा गया था? श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग लेने के लिए एक योजना तैयार हुई है। उस योजना के लिए कार्यकर्ताओं की यह बैठक है। हर बस्ती तक जाएंगे, हर घर तक जाएंगे, समाज के अंतिम छोर तक जाएंगे और भगवान श्री राम का मंदिर, राम का मंदिर न होकर के राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस भाव के साथ समाज के अंदर सहयोग लेकर के ही राम का मंदिर बनेगा, समाज का धन उसमें लगेगा, इस आह्वान के लिए बैठक है। ये कार्यक्रम रखा गया कौन सी जगह है और कार्यालय का? शिशु मंदिर है, गौशाला मार्ग है, फिरोजाबाद का कार्यालय है ये, और फिरोजाबाद का कार्यालय भी आज से प्रारंभ हो रहा है। मकर संक्रांति से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा, मकर संक्रांति से संग्रह अभियान।